Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे फनकारों के लिए. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. टब्बर को लोग बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं. अच्छा, इतना अच्छा काम करने के बाद बंदे को नेशनल अवार्ड वाली फीलिंग आती होगी ना, जब हमारे शो से बुलावा आया. प्लीज बैठिए. अच्छा, पवन सर और रणबीर पाजी पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं. दलेर पाजी, रेखा जी भी आ चुकी हैं. कवल सर और गगन पहली बार आए हैं. कवल सर, आपको तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ फिल्मों में, हमेशा फिट एंड हैंडसम. क्या बात है. सारी स्टार कास्ट में सबसे जूनियर जो है गगन है, सबसे छोटी उम्र का. बहुत मुबारक हो आपको, बचपन में ही आप हमारे शो पे आ गए. ये तो देख लो, कवल सर कितने साल लग गए हमारे शो पे आते. गगन, आप हमारे यार शो पे आए, मतलब कैसे ये सौभाग्य मिला आपको? सोनी टीवी में कोई जान पहचान है या अर्चना जी को पैसे खिलाए थे? सर मेरी उम्र यहाँ पे सबसे छोटी है, लेकिन असल में ये सारे मुझसे 2 साल छोटे हैं. दो साल नहीं, 20 साल बोल. अच्छा, पवन सर और कवल सर ने इतना काम किया है फिल्मों में, टेलीविजन पे, अब OTT पे काम कर रहे हैं. इस साल दोनों की 2-3 वेब सीरीज भी आ रही हैं. आपको मुझे लगता नहीं कि गांव जाने का टाइम भी लगता होगा, कि गांव में सब बेच बाज के आए थे आप? गांव वापस जाने की सोच ही नहीं रहे हम. अरे क्या बात है. रणबीर पाजी, आप जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हो? तो हमेशा ही अलग ही लुक में आते हैं रणबीर पाजी को आप देखना. हमेशा ही इन्होंने कॉमेडी तो कमाल की करते हैं. बहुत सारी आपने कॉमेडी फिल्मों में इनको देखा होगा, लेकिन वाह, इतने सारे कॉमेडी रोल्स करने के बाद रंगबाज में ATS सेट, लूट केस में कड़क पुलिस इंस्पेक्टर और टब्बर में अजीत सोडी जैसा सीरियस रोल. पाजी, आपको क्या लगता है, क्या रीजन था, लोग आपको पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे? नहीं, उसके पीछे भी कहानी है. आपको तो पता है, बिकॉज एक्चुअली इतने साल कॉमेडी की है तो डायरेक्ट तो मेरे को कोई काम ही नहीं देता था, ड्रामेटिक रोल को देता ही नहीं था. यार प्लीज टेल अस कि कैसे ये ट्रांसफर होता है, बिकॉज जो थोड़ा थोड़ा करके. अर्चना जी, उसमें ना मैंने जैसे पहले लकी था, मेरे को रजत कपूर ने मिथ्या जैसी फिल्म दी थी जिसमें कॉमेडी भी थी ड्रामा भी था. तो पहले ना कहते थे जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हैं डड्डू के लिए ना, तो वैसे करना पड़ता है ऑडियंस के लिए कि पहले देखो अभी ठंडा है, अब मैं हल्का सा थोड़ा कोसा गर्म किया, करते 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 फिर आप फुल हॉट. अगर आप डायरेक्ट फुल हॉट तो डड्डू भाग जाएगा. हाँ, तो अभी फुल हॉट हो गया कि अभी चल रहा है. अच्छा, पवन सर ने इतने कमाल कमाल के किरदार किए हैं. कई फिल्मों में इन्होंने देखो ना, आप पगड़ी पहन के एक सरदार के करेक्टर बड़े निभाए. जैसे आप जब भी मेट में देखा होगा, भाग मिल्खा भाग में, फिर मुबारका में, 1984 में, बड़े कमाल के किरदार किए हैं पाजी आपने. पाजी, और कोई ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हो? सर दो हैं ऐसे किरदार. एक तो सरदार जी वहां बैठते थे ना. हाँ. पाकी बननी है, सूट ही पाना है मैनु. ते आई थिंक फिर आ जाए मेरा भी नंबर होना है. उसके बाद पॉलिटिक्स किथे जाओगे तुसी देखो. पवन, तेरे को खैरियत चाहिए ना अपनी, मैं परमीत को भेजूंगी तेरे घर पे. कमल सर, आपको हम सत्ते पे सत्ता फिल्म के टाइम से देख रहे हैं. उसमें सातों भाई गंदे मंदे घूमते रहते थे. हाँ. भाभी घर में आती, उसके बाद सारे ठीक होते हैं. तो आप तो वैसे इतने हैंडसम हो, तो सेट पे जाके आप अपने आप को गंदा मंदा करते थे कि एज ए मेथड एक्टर वैसे ही 6-7 दिन नहीं नहाते थे? कुछ बताइए, क्योंकि वो बड़ी कमाल की फिल्म है. जमाने में गर्लफ्रेंड के पास भी जाना होता था तो 6 दिन नहीं नहा के तो गड़बड़ हो जाती थी. तो वही गंदे होते थे और करते थे जो भी किया है. बाकी काम एक्टिंग से चलाते थे. नहीं, पर उन्होंने हमको ठंडे पानी में डाल दिया था कश्मीर में. हैं? सब भाइयों को. क्यों? क्यों? अरे साफ करने, जब हेमा जी आती हैं तो सफाई करते हैं ना हम. आपने बोला नहीं ये वाला सीन कानपुर में कर लो, थोड़ी कम. नहीं, बात है. तो फिर जब कट हुआ तो हमने डायरेक्टर को उसके अंदर डाल दिया. अच्छा, कि तुम भी फील करो. लड्डू को डाल दिया. तो ही मस्ट ऑल्सो फील कि कैसा लगता है. अच्छा, दलेर पाजी के बारे में सब जानते हैं. पॉप कल्चर लेके आना और दुनिया भर के, मेरे को नहीं लगता कोई एक कंट्री बची होगी. हो सकता है एक कंट्री में 6-6 किए हों, लेकिन छोड़ा इन्होंने कोई भी देश नहीं है. चाहे आप USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, स्पेन,
साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ओमान, कुवैत। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपका पासपोर्ट इतना मोटा है कि उसको उठाने के लिए आपने अलग से बंदा रखा है। कोई बोल रहा था, कहते दलेर पाजी का पासपोर्ट 3.5 किलो का है। ऐसे ऐसे अर्चना जी, मेरे को और सवाल पूछनी थी। कहती दलेर पाजी आए तो उनसे पूछना, जब आप नहाते हो उसके बाद पहले आप कपड़े पहनते हो कि गहने पहनते हो? इसकी एक बात को बिलीव मत करना पाजी आप, एक भी बात को। पर आपकी नॉलेज के लिए सच्ची, नहाने के बाद पहले बहुत सारे गहने मैं अंदर पहनता हूँ, बहुत सारे। और एक दो काम चला ऊपर। तो अभी आपको किडनैप कर लिया जाए तो कितने माल की पार्टी चलता फिरता 1.5-2 करोड़ है। अच्छा विशाल सर ने मैम फिल्म बनाई थी कमीने, हाँ जी, उसके बाद इनका बेटा आसमान जो है वो फिल्म बना रहा है कुत्ते। तो आपने विशाल सर को कहा नहीं कि आप ही ने बिगाड़ा है, आपने कमीने बनाई, अभी ये कुत्ते बना रहा है? तो मुझे ये लग रहा है कि एक ही घर में रह के दो दो प्रोडक्शन क्यों नहीं, विशाल सर और आसमान मिलके ही कुत्ते कमीने क्यों नहीं बना रहे? अच्छा सजेशन है। मैं सोच रहा हूँ जब आसमान स्क्रिप्ट लेके गए होंगे किसी एक्टर के पास, सर हम कुत्ते बना रहे हैं और आपको कास्ट करना चाहते हैं। पर बहुत टैलेंट है आपके घर में मैम। थैंक यू। पवन सर की फिल्में आपने देखी हैं, सलीम लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में की हैं। अरे याद है इनको। फिर इन्होंने जुड़वा 2, रुस्तम, मुबारक जैसी कमर्शियल फिल्में की। पाजी आपको कब रियलाइज हुआ कि सिर्फ तारीफ से नहीं पेट भरना, आप पैसे भी कमाते हैं? वो तो आइडिया मेरा बड़े पहले से आया, प्रोड्यूसर्स को अभी तक वो आइडिया समझ नहीं। भाई पैसे तो हम तब भी मना नहीं करते थे, देते नहीं है वो अलग बात है, आज भी नहीं देते। सर आप सब सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, पर जब आप कोई पोस्ट डालते हैं उसके बाद आपको कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं लगता है? हमारी टीम जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स निकाल के रखती है, फनी क्रिएटिव कमेंट्स, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है दलेर पाजी के अकाउंट पे, उन्होंने फोटो डाली है, शेयरिंग स्टेज विद द लेजेंड अमिताभ बच्चन जी। ओके तो नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दोनों मिलके हिसाब लगा रहे हैं कि इस गाने से बहुत पैसा आने वाला है। नेहा कक्कड़ को हंसाने की कोशिश करते हुए। चलो और दिखाइए, दलेर पाजी को कोई बताओ गाने का शूट है, दातुन का एड नहीं है। रुपया आदमी को बिगाड़ देता है पाजी, आप डॉलर में पेमेंट लिया करो। और दिखाइए, यह है कवल सर का। नो नॉट ए मैन फ्रॉम नासा, ए टेलर फ्रॉम ए फिल्म प्रोडक्शन। ओ वाओ, अच्छा। दिखाइए कमेंट्स। सर आपकी पेंट इस आदमी की गर्दन तक आ रही है। अगर ये आपकी पेंट पहन ले तो इसे पीपी किट की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। किसी नीचे रिप्लाई भी किया, तुझे कैसे पता ये पीपीटी किट में आदमी है? अगर लड़की होती तो कवल जी की वाइफ पीछे बैठी होती। और दिखाइए। सर आपके पीछे जो छोटी सी चटाई बिछी है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? ये समझ में आया। वो कवल जी का बिस्तर है। एक ने लिखा, अच्छा हुआ आप आगे खड़े हैं, पीछे खड़े होते हैं तो पंखा सर से टकरा जाता। और दिखाइए। रणवीर शौरी, हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके वाओ, क्या बात है भाई। ये रणवीर, हाँ रणवीर भाई, लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, बैंक बैलेंस, उस पे ध्यान। किसकी स्क्रिप्ट सुन ली सर जो जमीन छोड़ दी? एक लिखा, अगर पंखा लगवा लेते तो खुद पंखा नहीं बनना पड़ता। और दिखाइए। पर्दा लाइट के लिए खोला हुआ है या फिर आपको भी लड़कियां दूरबीन से देखती हैं? वाह भैया, कसम से लैंड होता हुआ हवाई जहाज लग रहे हो। ये तो
आपने लिखा होगा जी। हमने तो सुना था दारू चढ़ती, यहाँ तो आदमी चढ़ा हुआ है। दिखाइए और। क्या बात है दलेर पाजी, रेड माय फेवरेट कलर, दिखाइए जरा कमेंट्स। दलेर पाजी भी लाइक, लाल जूते तो ले लिए, इसकी पॉलिश कहाँ से लाऊं? पाजी लाल पहन के क्या ट्रेन रोकने जा रहे हो? और दिखाइए कमल जी सर, ए फ्यू मोर फ्रॉम कनाडा वैंकूवर, दिखाइए कमल जी, सोच रहे हैं हाय इतनी सुंदर पुलिस अरेस्ट ही हो जाऊं। सर हाथ हटा लो, वो बंदूक निकाल रही है। इतनी सुंदर पुलिस वाली हो तो फिर बंदा पुलिस को पकड़ता है। और दिखाइए, इस लड़की ने आज कवल जीत लिया। अच्छा, अच्छा वर्ड प्ले। आपके पूरे अकाउंट में देखा, इतना खुश आप किसी फोटो में नहीं है। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। और रणवीर शोरी स्किपिंग पेबल्स अक्रॉस द रिवर जी, दिखाइए और कमेंट्स। सर भाला फेंको, मेडल उससे आएगा। मतलब आप भी लंबी लंबी फेंकते हो। अब पत्थर मारने से क्या होगा, प्रोड्यूसर लोग बहुत तेज भागते हैं सर। दलेर भाई, सोशल मीडिया पे आपके बड़े वीडियोस आते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बोल रहे थे मैं दुनिया में किससे नहीं डरता। उस दिन भाभी मायके गई हुई थी। ये मेरा एक लोगों से कहना है कि कभी भी अगर चमचागिरी करनी है तो सिर्फ गुरु नानक महाराज की रब की चमचागिरी करो, और डरो तो सिर्फ रब से डरो। क्या बात। रणवीर पाजी के बायो में लिखा हुआ सैड बट ट्रू, अच्छा फुल टाइम एक्टर, सम टाइम सॉन्ग राइटर, लाइफ लॉन्ग ह्यूमरिस्ट, लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ अकाउंट हैंडल बाय मैनेजमेंट। मैंने आपका स्टाफ देखा है पाजी, आप तो मेकअप भी खुद कर रहे थे। सच्ची में स्टाफ है कि ये अपने ऊपर बात ना आए इसलिए मैनेजर का नाम डाल दिया आपने। दोनों है। उल्ट ट्वीट हो जाए। एक वो है कि बाय चांस कभी केस हो तो मैं को मैंने लिखा ही नहीं था, और दूसरा जो जो खास करके जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो मैं नहीं पोस्ट करता, वो ओके मेरी मैनेजमेंट टीम करती है। और एक और चीज हमने देखी, इन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी अब्यूज, बट प्लीज नो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय फार्ट। ये जो आपका ह्यूमर है ना भाजी, मैं जब किसी के सामने ऐसे कभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो जाए तो सामने वाला सोचता नहीं मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये रिप्लाई क्यों दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि थोड़ी भी कोई चीज लिखो ना अगर पॉलिटिक्स वगैरह पे तो हर साइड से इतनी गालियां पड़ती थी कि कितनों को जवाब दोगे आप। तो मैंने कहा एक चीज मैं वहां लगा ही देता हूँ कि जो आपकी गालियां हैं उसका मैं ये मायना रखता हूँ। कमलजीत सर, आपके बारे में एक अफवाह ये है कि सत्ते पे सत्ता फिल्म के वक्त आपने प्रोड्यूसर से कहा था मैं तो बच्चन साहब से भी लंबा हूँ तो बड़ा भाई मुझे बनाओ। मेरी क्या औकात और हिम्मत कि मैं ये कह सकूं। तो ये गलत अफवाह है। गलत अफवाह नहीं, ये अफवाह है। हाँ, हाँ। रेखा जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और विशाल सर जब एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो वो लड़कियों से बहुत शर्माते थे इसलिए आप उनको बीच बीच में छेड़ दिया करती थी। इसलिए नहीं छेड़ती, वैसे ही छेड़ती थी। अच्छा वैसे छेड़ती थी आप। वाह कमल जी सर, आपके बारे में एक और अफवाह है कि वाइफ की बात को अनसुना करने के लिए आपने बहाना बना के रखा है कि मुझे कम सुनाई देता है जबकि आपको सब साफ सुनाई देता है। नहीं, मैं एयरफोर्स में अप्लाई किया था तो मैं रिटन में यूपीएससी में हो गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हो गया, लेकिन मेडिकल में गया तो पता लगा कि मैं कान से कम सुनता हूँ। अच्छा जी हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम डेस्क जॉब दे देंगे आपको, फ्लाइंग का नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं तो फ्लाइंग करने आया तो उसका मैं फायदा उठा लेता हूँ कभी। अच्छा। ना सुनने का।
अजीत भाई जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक आपको कि सोनी लिव के ऊपर आपने जो टब्बर सीरीज बनाई है उसके पीछे जो आपका मकसद था हमारे शो पे आने का वो आपका पूरा हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? काफी सालों से मैं काम कर रहा हूँ पर इंडिपेंडेंट फिल्में बना रहा था, आर्ट हाउस फिल्में बना रहा था, तो पेरेंट्स हमेशा पूछते थे करता क्या है, करता क्या है। हम बोलते थे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हैं। कल उनको मालूम चला कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं तो जल्दी जाओ अहमदाबाद से बॉम्बे भेज दिया था कार में। तो घर वालों को बहुत खुशी हो रही है। ओह स्वीट, के क्या बात, कपिल शर्मा शो में पहुंचे हो। प्लीज प्लीज मेरा रिगार्ड दीजिएगा अपने घर में सभी को। मुझे ये बात आज ही पता चली कि अजीत पाल जो है हमारी सीनियर थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मौली उनके हस्बैंड है, तो मौली भी आज यहाँ पे मौजूद है। वो सुबह आई मुझे कहती मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा आइए आइए प्लीज आपका स्वागत, देखिए शो। नहीं नहीं, उन्होंने सोनी लिव वाली जो सीरीज आ रही वो डायरेक्ट की है तो मुझे पता नहीं था। वेलकम मौली, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूनिवर्सिटी में। आपको पता है पाजी, मौली दीदी हमारी सीनियर थी, तो ये लोग ना थिएटर करते थे सब, और ये इतनी कमाल की एक्ट्रेस थी खुद भी मतलब, और हम लोग बड़ा इनकी स्किट्स और यूनिवर्सिटी में प्लेज वगैरह देखते थे, तो हम लोग बड़ा एडमायर करते थे। आज पता नहीं था कि आपके हस्बैंड आज हमारे शो में गेस्ट बन के आ रहे हैं। अच्छा, जल्दी वाओ, कर दो प्रमोशन सारी चीजों की आज का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।